अस्सलाम वालेकुम। अव्वल 007 यानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वीवो Y91 का पैटर्न अनलॉक कैसे करना है। तो सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे। ये मैंने स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद इसका सिम आउटर बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका बैक पैनल खोलेंगे। इसमें दो CPU आता है, एक MTK एक क्वालकॉम। वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम इसे खोलेंगे, जो तीनों स्क्रू है इसे खोलेंगे, उसके बाद इसका फिंगर का कनेक्टर निकाल देंगे। उसके बाद EDL पॉइंट दिखाऊंगा मैं। EDL पॉइंट अगर है तो ये क्वालकॉम है, अगर नहीं है तो ये MTK है। तो क्वालकॉम के लिए अलग मेथड है, MTK के लिए अलग मेथड है। MTK के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूँगा। ये क्वालकॉम के लिए है, देखो ये दिया हुआ है EDL पॉइंट, ये हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके पहले UMTQC फायर ओपन कर लेते हैं। यहाँ वीवो सिलेक्ट करेंगे, मॉडल नंबर में सिलेक्ट करेंगे Y91, ठीक है। वीवो FS and FRP पे ओके मार देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। अब ये बोलेगा कि मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोबाइल हमने पहले से खोल के रखा हुआ है। ये जो EDL पॉइंट है इसे ट्वीज़र के ज़रिए शॉर्ट करेंगे और डेटा केबल इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने किया तो देख सकते हो ये अनलॉकिंग शुरू हो चुका है। जब तक ये होता है तब तक वेट करें। वीडियो को पूरा देखें, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो ये हो चुका है, अब इसे ऑन करेंगे। तो ये वीवो आया, इसके बाद ये वीवो चले गया है। कुछ देर तक वेट करें, अगर कुछ टाइम वेट करने के बाद अगर ये ऑन नहीं होता है तो पावर की दबा के ऑन करें। थोड़ा ये परेशान करता है लेकिन हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑन नहीं हो रहा है लेकिन होएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, कुछ देर वेट करें। हाँ, तो देख सकते हो ये वाइपिंग हो रहा है। वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, तो वाइप डेटा फेल हो गया है, वाइप डेटा कर देंगे। उसके बाद रिबूट सिस्टम पे ओके मार देंगे। वापस मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है, सेटअप कर लेते हैं। सेटअप तो हर किसी को करने आता ही है, इसके लिए थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ मैं। तो देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसे फिट कर देंगे। सबसे पहले फिंगर की पट्टी लगा लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग भूल जाते हैं, वापस खोलना पड़ता है। फिर पट्टी लगाने के बाद स्क्रू को टाइट कर देंगे।
आप बैक पैनल को फिट कर देंगे।